करते हैं कि आप खैरियत से होंगे मर्दों, कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह मैं अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी सर मेगा रोड शो इन कर्नाटका। अच्छा, तो पीएम मोदी जनाब कर्नाटका गए हैं और उधर उनकी बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया गया फूलों से। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3-2-1 वीडियो स्टार्ट। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्या बात है, आवाज का समंदर है। चलें जी, वीडियो भाई साहब खत्म हो गया। भाई साहब क्या, किस तरह, किस अंदाज से? बहुत फूल है भैया, इंडिया में बहुत ज्यादा फूल और है। बंदा भी तो देखो कौन है, भी तो देखो, मजा आ गया जी, मजा। कंट्री के पूरी वर्ल्ड में नाम अब इंडिया का बजता है इस बंदे की वजह से ही है। सही बात है। तो ये फूल इनके ऊपर रिप्रेजेंट करता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। एक मिनट के लिए अगर रुक जाते ना तो फूलों के नीचे दब जाते। दबी तो पहले हुए थे वो हल्के से। अच्छा, चल रही थी तमाम तो फूल फेंक रही थी, वो भी फेंक रहे थे वहां फिर। मतलब कि प्यार का लीडर भी तो भाई होना चाहिए ना। मोदी जी की ये बात है कि भाई जहां पर जाते हैं अपना सबको कर लेते हैं और आवाम का भी दिल वो नजर आता है। भाई साहब एक बंदा कंट्री के लिए इतना काम करता है, कंट्री वो उसका मिशन क्या है, कंट्री का नाम रोशन करना।
कंट्री के लिए, यानी कि ये बिरयानी वाले लोग नहीं थे है? हमारे यहाँ तो बिरयानी वाले जाते हैं, बिरयानी वाले होते तो भाई साहब बिरयानी लेने के लिए आते, वे फूल देने के लिए ना आते। ये बात भी सर, भाई साहब सपोर्ट ही उनकी इतनी है, ऐसी बात है। इस तरह के फ्लावर हमारे तकरीबन 300-400 रुपए किलो मिलते हैं। गुरबस तेरा इसकी इसके कीमत के मन में ना आ जाता है वो क्या मजबूरी है ना? एक, एक तो मुझे ना भाई साहब एक चीज जाना, पता नहीं हमारी नेचर ही ऐसी होगी है। नहीं, नेचर जब कोई ऐसी होगी, डॉलर की बात करता है फौरन हमारे दिमाग में कैलकुलेशन चल जाती है जब कोई किसी चीज की बात करता है तो भाई हमारे दिमाग में कैलकुलेशन चल जाती है। कंपैरिजन हम अपने कंट्री की चीजों से करते हैं। फोन इतने महंगे हो गए भाई साहब, यहाँ पे फोन तो 300-400 रुपए के हो गए ऐसे, 400 के ऊपर है भाई साहब। हाँ एक बिल्कुल जो बिल्कुल पत्तियां सी होती है वो 300-400 रुपए किलो है, पत्तियां जो होती हैं, जो दूसरे मुकम्मल मुकम्मल फूल होते हैं वो महंगे होते हैं, वो महंगे होते हैं, वो जो जिस तरह उन्होंने वो बनाए होते हैं ना, बना के सजाए सजाए होते हैं जो बनाए होते हैं वो गजरा वाले भी ऐसे ही होते हैं भाई साहब, जो पैकिंग में होते हैं ना वो गुलदस्ते गुलदस्ते वो महंगे होते हैं। तो बाकी भी बात है जिस तरह भाई साहब स्वागत किया उनका बनता भी है, क्योंकि लीडर ही भाई साहब ऐसे आप बिल्कुल, और ऐसे ऐसे लीडर जो है ना वो बड़े जो वो कहते हैं एक शेर या जो आपको सुना है, जी सुना है। चलो वो हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है दीदा भर पैदा जी। हिंदुस्तान से भाई साहब हिंदुस्तान ने गुलामी की जिंदगी बहुत गुजारी, इतनी इतनी दौर इतने इतने लोग जो है वो बाहर से आए और आके इंडिया को गुलाम बनाया। आज देख लो भाई साहब लूटा कितना भाई साहब, कोई ना गुलामी तो साइड पर कर दो, सभी कुछ तो लूट कर ले गए, यहाँ तक के अनाज वो भी लेकर गए इंडिया। अच्छा मेरे जहन में पता है क्या भाई साहब, खूबसूरत लड़कियों को भी उठा कर ले जाते थे जालिम लोग। तो यार इतने पुराने बिल्डिंगों किस तरह तबाह किया, आज इसके सामने हाथ खिलाना पड़ता है। तो भाई साहब खुद को अपनी वैल्यू बनाइए भाई साहब, खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा सारा कुछ भाई साहब मोदी सर के बता तेरी रजा क्या है। तो ये भाई साहब ऐसे नहीं हुआ, इसके पीछे भी बड़ी लगन मेहनत है। और यहाँ पे एक और पे बात मेंशन करना चाहता हूँ, कल एक मैंने वीडियो देखी थी भाई, बात अलग है और वीडियो भाई साहब वो अलग है, लेकिन वो वीडियो पे रिएक्ट नहीं कर सके, लेकिन यहाँ पे मैं मेंशन जरूर करना चाहूंगा जी। के एक जापान की लड़की थी होली मनाने आई थी, उसके साथ बदतमीजी की गई। अच्छा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ बात इतनी करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान वाले हालत भाई मत करो। हाँ। जहाँ पर कोई बाहर से बंदा आता है तो वो अपने आप को अनसेफ फील करता है। तो बड़ी मुश्किल से भाई साहब हजारों साल लगते हैं इज्जत कमाने में और एक मिनट लगता है। और उन घटिया लड़कों की वजह से जो उस लड़की से बदतमीजी करे, वो छोरे लड़के वो थे, यंग ही लड़के थे, उनकी वजह से अगर कोई वो वीडियो जो वायरल हो जाती पूरी दुनिया में कितना बैड इम्पैक्ट होता है, कितनी दुनिया से लोग होली मनाने के लिए इंडिया में आते हैं। अगली मरतबा उन्होंने नहीं आना था अगर इस तरह का उनका रवैया है उन लोगों के साथ हो। तो यही बात है भाई साहब, ऐसा मत करें भाई, पाकिस्तान अपने अपने हालत को सुधारो, अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। अगर इतनी आग लगी तो चार पैसे दे के भाई साहब बुझा लो, वो अच्छा है बजाय किसी दूसरे कंट्री से आई हुई लड़की को तंग करना। तो यही बोलूंगा, और ये रूल तो भाई पाकिस्तान पे भी लागू होता है, पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा कांड हो चुके हैं, लेवल ही नहीं रहा अभी। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई साहब आप उस सिचुएशन से बच के रहे। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मित्र के साथ, तब तक के लिए इजाजत दे, अल्लाह हाफिज़।